वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बात का ब्यौरा देंगे कि सरकार के खाते में कितना पैसा आया है और कितना फायदा हमारी इकोनॉमी को हुआ है। साथ ही अगर हम आम जनता की बात कर लें तो आम जनता इस उम्मीद से बैठी हुई है कि जो हाउसिंग फॉर ऑल है, यानी कि घर का सपना है, उनके लिए ज़रूर सच हो। गृहिणी की बात करें तो गृहिणी मानती है कि सरकार इस बार उन्हें सेविंग की पावर ज़्यादा दे, यानी कि वो ज़्यादा सेविंग कर सके। दूसरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से हमने बात की है, वो भी कहते हैं कि सरकार का इस बार फोकस बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने में होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसे बढ़ावा मिले, तो इसके लिए भी काफ़ी पॉलिसीज़ की जाएंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो फार्मर्स या बाकी लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो भी मानते हैं कि उनके लिए भी कुछ तोहफा ज़रूर आएगा। MSME सेक्टर्स की बात कर लें या स्किल डेवलपमेंट की बात कर लें, एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें या कई ऐसे सेक्टर्स की हम बात करें जिसका ताल्लुक सीधे लोगों से है, उस पर भी सरकार का फोकस होगा। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं बजट 2017-18 पर सभी की निगाहें होंगी। कैमरा पर्सन आदित्य कसारे के साथ श्यामा मिश्रा, DD News, मुंबई।